वेस्टइंडीज के यूएस को टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में करारी हार दी है। यूएस ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने शाई होप की विस्फोटक बैटिंग के दम पर 10.5 ओवरों में मैच जीत लिया। बता दें कि होप ने 39 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। निकोलस पूरन ने भी दमदार प्रदर्शन किया। इससे पहले बॉलिंग ने रोस्टन चेज और आंद्रे रसेल ने कमाल दिखाया था। यूएस के लिए एंट्रीज गॉस ने 29 रनों की पारी खेली। पारी में यूएस ने पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवरों में ऑल आउट होने तक 128 रन बनाए और गॉस ने 16 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। वहीं नीतीश कुमार ने 19 गेंदों में 20 रन बनाए। कप्तान एरोन जोन्स 11 रन बनाकर आउट हुए। यूएस की पारी के दौरान वेस्टइंडीज के लिए रसेल ने 3 विकेट झटके। उन्होंने 3.5 ओवरों में 31 रन दिए। अलजारी जोसेफ ने 4 ओवरों में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। रोस्टन चेज ने 4 ओवरों में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। यूएस को हराने के लिए मैदान में उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 10.5 ओवरों में मैच खत्म कर दिया। उसके लिए होप और जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग करने आए। इस दौरान चार्ल्स 15 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद चार्ल्स 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन होप अंत तक टिके रहे। उन्होंने 39 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। इस दौरान 8 छक्के और 4 चौके लगाए। निकोलस पूरन ने नाबाद 27 रन बनाए। उन्होंने 12 गेंदों में 1 चौका और 3 छक्का लगाया। लेकिन वही सुपर 8 के ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल की तरफ गौर करें तो इसमें दक्षिण अफ्रीका टॉप पर है। उसने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं। उसके पास 4 पॉइंट्स है। वेस्टइंडीज ने 2 मैच खेले और 1 जीता, उसके पास 2 पॉइंट्स है। वहीं दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर है, उसके पास भी 2 पॉइंट्स है, लेकिन वेस्टइंडीज का नेट रन रेट बेहतर है, इस वजह से इंग्लैंड से वह ऊपर है।